सच कहता हूँ कि ऐसे ही पास्टर पासवान की ज़रूरत है भारत को, क्योंकि जैसे ये वेद और बाइबल से साथ साथ समझाते हैं। आज इस यीशु सत्संग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का परिचय भारतीय दर्शन के माध्यम से लोगों को मिला है। बहुत खुशी की बात है कि भारतीय दर्शन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है उससे हम परिचित हुए। मेरे प्रियो, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। आपके जीवन में कई बार समस्याएं आएंगी, आपके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आएंगे, निराशा आएंगी, तकलीफें आएंगी। आप कई बार देखेंगे कि आपका भविष्य खतरे में है। कई बार आपको लगेगा कि शायद आपने गलत निर्णय ले लिया है और आप रुक गए हैं, आपके जीवन में समाधान नहीं हो रहा है। तब शायद आप बहुत सारे लोगों के पास जाएं, शायद वो आपके समाज के लोग हों, बड़े बुजुर्ग हों, दार्शनिक हों, तत्वदर्शी हों, ज्ञानी लोग हों, पड़ोसी हों, मित्र हों, सलाहकार हों, आपके डॉक्टर हों, वकील हों। आप सोचे कि शायद इस व्यक्ति के द्वारा मेरे जीवन में समाधान आ जाए। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में उन लोगों के द्वारा समाधान ना आए तो आपको अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आवश्यकता है। केवल वही है जो जानता है कि उसको क्या करना है, और वो आपके जीवन में एक बड़ा समाधान लेकर आएगा, क्योंकि वो समाधान का करने वाला परमेश्वर है, वो समाधान करता आया है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, इसमें कोई शर्म नहीं कि मनुष्य नंगा था और उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं हुआ करते थे। लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि पति और पत्नी, पुरुष एक दूसरे से लज्जाते नहीं थे, उनमें शर्म नहीं थी, यद्यपि वो नंगे थे लेकिन शर्माते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, वचन बताता है कि तब तक पाप इस संसार में नहीं आया था, और शायद संभव है कि ये आदम और हव्वा परमेश्वर की महान पवित्रता के द्वारा ढके हुए थे, परमेश्वर के पवित्र प्रकाशन में, पवित्र ज्योति में ढके हुए थे। लेकिन जो ही बाइबल बताती है, जो ही अन आज्ञाकारिता, पाप उनके बीच में आया, आप देखिए वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कहा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, इसके लिए एक सहायक होगा। तब परमेश्वर ने भांति भांति प्रकार के जीव जंतुओं से आदम का परिचय करवाया और कहा कि तुम इसमें से अपने लिए कोई सहायक ढूंढ लो। लेकिन आदम को कोई सहायक नहीं मिला, उसे घोड़े से प्यार नहीं हुआ, उसे गधे से प्यार नहीं हुआ, क्योंकि उसे कुछ और चाहिए था, बेहतर, जो सबसे बेहतर हो। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर ने आदम की समानता में उसने महिला को बनाया जो उससे मेल खाए। जंगली जानवर पुरुष से मेल नहीं खाता, गधा सुअर मेल नहीं खाता, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसने मनुष्य के लिए स्त्री बनाई, पुरुष के लिए एक स्त्री बनाई, और उनके बीच में बड़ा प्यार था। जब फर्स्ट टाइम जब आदम ने हव्वा को देखा तो वचन बताता है उत्पत्ति की पुस्तक में, आदम खुश हो गया। वो अब तक के जीव जंतुओं को देखकर इतना खुश नहीं हुआ था, लेकिन आज वो उस स्त्री को देखकर खुश हो गया कि ये कुछ है जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है, ये मुझसे मेल खाता है। और बोलने लगा, आदम बोलने लगा कि ये मेरे हड्डी की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, ये नरमे से निकली है, इसका नाम नारी होगा। और आदम उसके साथ बहुत खुश था और दोनों बागीचे में घूमते थे, साथ में फल फूल खाते थे, खुश थे, बड़ा बढ़िया था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, अचानक एक दिन
उन्होंने परमेश्वर के सिद्धांत को तोड़ दिया, अनाज्ञाकारिता। प्रभु ने कहा देखो ये फल मत खाना भैया, क्योंकि जैसे ये तुम फल खाओगे क्या होगे, मर जाओगे। जैसे ये फल खाओगे तुम मर जाओगे। तो जैसे छोटे बच्चे को बताया जाता है ना कि भैया ये प्लग में उंगली मत डालना, छोटा बच्चा प्लग में उंगली डालता है, मां मना करती बेटा इसमें उंगली मत डालो, वो मानता नहीं। अब उसका दिमाग, क्योंकि मां ने मना कर दिया है तो अब दिमाग वहीं लगा हुआ है कि इस प्लग में ऐसा क्या है कि इसमें उंगली नहीं डालनी। और यही हुआ, जैसे ही उन्होंने फल खाया क्या हुआ, मर गए वो, नंगे हो। आप समझ रहे हो, दोनों नंगे हो गए। अब क्या हुआ, दोनों भागे, वो उधर भागी वो उधर भागी, दोनों छिप गए जाकर। बाइबल कहती है प्रत्येक शाम को परमेश्वर मिलने आता था, और वचन में लिखा एक दिन क्या हुआ, जैसे ही शाम को परमेश्वर इन दोनों से मिलने आया, दोनों अलग अलग छिपे थे पेड़ के पीछे। प्रभु ने कहा कहां हो भाई, तो आदम बाबा जी बोले प्रभु जी वो हम क्या हैं कि हमने वो फल खा लिया, हम नंगे हैं। अरे तुमने फल खा लिया, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए दी थी। वचन में लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और 8 पद के अनुसार, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया, और आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गए, छिप गए। पहले ऐसा नहीं होता था, जैसे ही परमेश्वर बागीचे में अंदर आता था आदम और हव्वा दौड़कर जाते थे, लेकिन आज ये लोग नहीं आए, आज ये नहीं आए, क्योंकि आज ये छिपे हुए हैं। क्यों, क्योंकि पाप इनके जीवन में आ गया है, बुराई इनके जीवन में आ गई है। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर आपकी बुराई से प्रेम नहीं करता, क्योंकि वो पवित्र है। आदम परमेश्वर से इसलिए छिप रहा था क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर पवित्र है, और कोई भी अपवित्र वस्तु या विषय परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं हो सकता, परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित नहीं हो सकता। और इसलिए आज ये आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से डरते हैं, छिपते हैं। परमेश्वर दुखी है, निराश है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय 9 पद में कहा है, तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहां है, उसने कहा मैं शब्द बारी में सुनकर डर गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है डर। पहला महत्वपूर्ण शब्द है छिपना और दूसरा है डरना। इससे पहले कभी भी आदम परमेश्वर से डरा नहीं था, बल्कि इसके विपरीत जब परमेश्वर उपस्थित होता था तो यह आदम दौड़कर परमेश्वर की गोदी में चला जाता होगा, परमेश्वर के साथ गले लगता होगा, उसके साथ बातचीत करता होगा, उसके संग प्यार करता होगा, उससे अपने दिल की बात को कहता होगा, उसे सारे दिन की घटना को बताता होगा। लेकिन आज ना केवल ये छिप गया है लेकिन परमेश्वर से डरता भी है, डर रहा है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी अपवित्र वस्तु या विषय परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। डरने लगा आदम, डरने लगा। एक महत्वपूर्ण विषय हम देखते हैं, जब आदम और हव्वा इन्होंने पाया कि ये नंगे हैं, छिप गए, तब इन्होंने एक उपाय निकाला। आपको पता है वो उपाय क्या था? तब उन्हें लगा कि हम नंगे हैं, तब उन्होंने अंजीर के पत्तों को तोड़ा और लंगोट बना ली। वचन बताता है, बाइबल बताती है, उन्होंने अंजीर के पत्तों को लपेट कर लंगोट बना ली अपनी नग्नता को ढकने के लिए। जब परमेश्वर आया
परमेश्वर ने उन पर दृष्टि की और देखा कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अंजीर के पत्तों को लपेट लिया है। जरा थोड़ी देर ध्यान दो, अंजीर के पत्ते कितनी देर चलेंगे? पता चला आप छिप रहे हो, पीछे से किसी बकरी ने आकर आपका पत्ता खा लिया, फिर नंगे हो गए। थोड़ी धूप निकली, जैसे गुजरात में आपके दिन में बहुत धूप है, थोड़ी धूप निकली, पता चला कि पत्ते सूख के नीचे गिर गए, खड़खड़ा के नीचे गिर गए, फिर आप नंगे हो गए। ये कोई उपाय नहीं हुआ। परमेश्वर ने उनकी दृष्टि की और उनको देखा, उन पर तरस खाया, और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और 20 पद में लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की वो आदि माता हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाए और उनको पहना दिए। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे बनाए और उनको पहना दिए, उनकी नग्नता को ढकने के लिए, उनकी मूर्खता को ढकने के लिए, उनके पाप को ढकने के लिए, उनके अधर्म को ढकने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए एक उपाय निकाला। एक उपाय, परमेश्वर, भजन संहिता उसका 138 पद में लिखा है, परमेश्वर मेरे लिए सब पूरा करेगा, वो मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उनकी आवश्यकता को देखा और उनकी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर ने उनके लिए उपाय निकाला, और वो उपाय था चमड़े के अंगरखे। चमड़े के अंगरखों के द्वारा परमेश्वर ने उनकी नग्नता को ढक दिया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी नग्नता को ढकने के लिए एक निष्कलंक मेमने का वध किया गया, सेक्रीफाइस किया गया, बलिदान किया गया। मनुष्य की नग्नता को ढकने के लिए एक निष्कलंक जीव को परमेश्वर के द्वारा बलिदान किया गया, ताकि उनकी नग्नता को ढका जाए। मेरे प्रियो, ये मेमना कोई और नहीं है, ये मेमना प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। 29 पद से लिखा है, इसलिए वो सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैरभाव, डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, टींग मार्क, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती और माया रहित हो गए। कल हम बात कर रहे थे कि सब पापी हैं। कोई है इस स्थान पर जो कह सके मैंने पाप नहीं किया? पवित्र शास्त्र बाइबल एक आईना है, एक मिरर है। जिस तरह आप एक आईने के सामने खड़े होते हैं और वो आईना आपको आपकी शक्ल बताता है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। आईना आप स्वयं देखकर अपने आप को जांच लेते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल आपकी आत्मा का आईना है, आपकी आत्मा का आईना। हो सकता है समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो सकता है समाज में आपका आदर हो, आपका नाम हो, आप ऊंचे पद पर बैठे हो, आपके हाथ में शासन हो, ताकत हो, अधिकार हो, भव्यता हो, ज्ञान हो, समाज की दृष्टि में आप बहुमूल्य हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं मूर्ख हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर की दृष्टि में हम घमंडी हैं, परमेश्वर की दृष्टि में हम पापी हैं। इसलिए रोमियो की पत्री उसका तीसरा अध्याय 3 पद में लिखा है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम नंगे हैं, मानो हम नंगे हो,
और हम अपने लिए उपाय निकालते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा हम अपनी नंगता को ढकने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपके मन को जानता है। आप परमेश्वर को चकमा नहीं दे सकते। आदम और हव्वा ने अपने लिए अंजीर के पत्ते बना लिए थे, लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये अंजीर के पत्ते थोड़े समय के लिए हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका कोई मूल्य नहीं है। ओ, कल ये सूख कर गिर जाएंगे, कल ये झड़ जाएंगे, लेकिन मुझे इनके लिए उपाय निकालना है। आज हर मनुष्य पापी है और हर मनुष्य अपने द्वारा एक प्रयास करता है अपनी नंगता को ढकने के लिए, अपनी मक्कारी को ढकने के लिए। हम देखते हैं कि एक और हमारा देश प्रगति कर रहा है, भारत देश में तमाम प्रकार की प्रगति हो रही है, लेकिन उसके विपरीत हम हमारे समाज में भ्रष्टाचार और बुराई और दुष्टता को बढ़ते हुए भी देखते हैं। कई प्रकार की समस्याएं हमारे समाज में, हमारे बीच में है। कौन कर रहा है? बाइबल बताती है, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने सब कुछ एक कारण के लिए बनाया, एक लक्ष्य है। आज आप देखिए, सूर्य ठीक समय पर अपना प्रकाश देने के लिए आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको प्रकाश देने के लिए ठहराया है। आपको सूर्य को आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, विनती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। आज से हजारों साल पहले जब गुलाब का फूल बनाया गया था, मेरे प्रियो, आज भी गुलाब का फूल वही खुशबू देता है। आज भी परमेश्वर की सुंदर प्रकृति आज भी विद्यमान है। हम देखते हैं परमेश्वर ने कितनी बड़ी भव्य इस प्रकृति को बनाया है, और सब कुछ अपने समय से चल रहा है। मौसम अपने समय से आता है, अपने समय से चला जाता है। सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है, लेकिन परमेश्वर की तमाम सृष्टि में एक जन है जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। परमेश्वर की सृष्टि में कोई है जो परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चलता, वो है मनुष्य। हमारे समाज में कथन है कि ईश्वर के बिना, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल ठीक बात है, यह बात पत्ते पर ही लागू होती है। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन ईश्वर की मर्जी के विरोध में मनुष्य जो कर सकता है और करना चाहता है करता है, उस पर ईश्वर की मर्जी नहीं चलती। जानते हैं क्यों? क्यों? उसके पीछे का रहस्य है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। परमेश्वर ने आपको यह हाथ दिया है ताकि इस हाथ के द्वारा आप परमेश्वर के भलाई के कामों में समर्थन करें, या इस हाथ के द्वारा आप किसी की हत्या करें। परमेश्वर ने आपको यह आंख दी है ताकि इसके द्वारा आप परमेश्वर की उस राह पर, पथ पर चलकर भलाइयां कर सकें। परमेश्वर ने आपको ये मुंह दिया है ताकि आप परमेश्वर की प्रशंसा कर सके और इसके द्वारा दूसरों के जीवन में आशीष को बोल सके। लेकिन आज इस मुंह में क्या जा रहा है? शराब, सिगरेट, गालियां। तो हमारे, हम नई नई प्रकार की गालियां बना रहे हैं, इजाद कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक गालियां देना हम सीख गए। ये हमारे समाज में, आपने कभी जीव जंतुओं को गाली देते हुए देखा है? आपने कभी मछली को सिगरेट पीते हुए देखा है? कभी गधे को आपने दारू के ठेकर पर खड़ा देखा है? आज ईश्वर की मर्जी सब प्रकार की प्रकृति पर विद्यमान है। परमेश्वर जो चाहता है प्रकृति में हो रहा है, लेकिन आप और मैं ईश्वर की मर्जी के विरोध में खड़े हैं। इसलिए लिखा है, वचन में लिखा है, हम सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, हत्या, बैर भाव, झगड़े, जाति, समाज, ऊंच नीच, भाषा, रंग, भेदभाव, हर प्रकार की बुराई में हम जकड़ते चले गए।
जैसे ही पाप हमारे जीवन में आया, ध्यान से सुनिए, जैसे ही अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में आई, हम सब लोग छिपने लगे, डरने लगे। हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, बाइबल बताती है। हम सब लोग, कोई किसी जाति का हो गया, कोई किसी जाति का हो गया, कोई किसी धर्म का हो गया, कोई किसी धर्म का हो गया, कोई कहीं भाग गया, कोई कहीं भाग गया। इसलिए आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, तितवा ने देखी सूरत जैसी। जिसकी जो समझ में आ रहा है वो कर रहा। क्या आप परमेश्वर की इच्छा को समझ रहे हैं? क्या परमेश्वर जो आपसे कहना चाहता है आप उसको समझ रहे हैं, या आपने अपनी चतुराई से अपने लिए समाधान ढूंढ लिया? उस अंजीर के पत्तों के समान मैं दर्शन शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण पद आपके सामने रखना चाहता हूं। जब मनुष्य को पता चला कि वो पापी है, मनुष्य पापी है, नंगा है, असमर्थ है, अयोग्य है, गिर गया है, तो उसने अपने लिए समाधान ढूंढ लिया है। मुंडकोप उपनिषद 3:2-3, कठोप उपनिषद 12:23 में लिखा है, नायमातुना प्रवचने लभ्यो न मेघयना बहुना शोतेन। ज्ञान की लुभावनी बातों को सुनने से तुम्हारे पाप दूर नहीं होंगे, सत्संग में बैठने से तुम्हारे पाप दूर। टीवी पर सत्संग आता, कहता अरे भैया बड़ा अच्छा सत्संग आ रहा है, सत्संग सुन लेते हैं। सुनने से क्या होगा? सुनने से कुछ होगा? जब तक आप उसे अपने जीवन में ग्रहण ना करें, आप एक बीज को, आप में से बहुत से लोग किसान हैं, एक बीज, बढ़िया सा बीज लेकर यहां मेज पर रख दीजिए, क्या वो फलवंत होगा? क्या उसमें अंकुर फूटेगा? कदापि नहीं, क्योंकि वो एक गलत निर्णय है। आपने ज्ञान की बातों को सुन के कहां रखा है? कान में, उसको हृदय तक नहीं पहुंचाया। इसलिए दर्शन शास्त्र में लिखा है, नायमातुना प्रवचने लभ्यो न मेघा न बहुना श्रुते। सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर है। दूसरा प्रयास, वदन्तु शस्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवा। भैया वहां चले जाएंगे, वहां पर बकरा चढ़ा देंगे। सुनो, दर्शन शास्त्र विवेक चूड़ामणि 6 में क्या लिखा है, वदन्तु शस्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देता। कुछ नहीं होगा, भजन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कुछ और है। परमेश्वर आपके मन में कार्य करना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी पवित्र इच्छा पर चलें। हालेलुया, वो आपको अपनी पवित्र इच्छा में लेकर चलना चाहता है। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते, आपको बिना ये अवसर दिए यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं, प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। इस कार्यक्रम को सिस्टर मोनिका ने, साथ ही ब्रदर एलन जॉन ने साझा इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने में हमारी सहायता की है। हम सिस्टर मोनिका के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में, उनके परिवार में बना रहे, साथ ही उनके बेटे शुभी के लिए, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा और समानता में बढ़ता जाए। साथ ही प्रार्थना करते हैं उनके ब्रदर प्रणीत, उनकी वाइफ प्रीति के लिए, कि वो परमेश्वर की महान इच्छा को जाने, उनके जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है। प्रार्थना करना चाहते हैं ब्रदर एलन जॉन के लिए कि उनके जीवन में, उनके परिवार में, विशेष रूप से उनके काम में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। साथ ही हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे भारत देश के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, परिवारों में झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े हैं, भाइयों के बीच में झगड़े हैं, कोर्ट कचहरी या केसेस। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश पर प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह हो, इस देश में शांति हो,
जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। कितने जवानों ने अपने जीवन को नशे में, बुराइयों में, लड़ाई झगड़े में, गलत आदतों में नष्ट कर दिया। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मुझसे सीखो। यीशु हमारा उदाहरण है, वो हमारे जीवन में शांति और अनुग्रह देने के लिए आया, एक नया जीवन देने के लिए। उसने कहा, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, बहुतायत का जीवन, उसके निकट आए। प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें सहयोग भेजते हैं, हम इन सब बातों को प्रार्थना में रखते हैं। आइए प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय सिस्टर मोनिका के लिए, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर, जो नाम पढ़े गए प्रभु जी, जो प्रार्थना रिक्वेस्ट पढ़ी गई प्रभु जी, भाई आलन के लिए प्रभु जी, उस पर आपका अनुग्रह बना रहे। इन दोनों परिवारों पर आप अपना अनुग्रह बनाए रखें पिता। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये लोग आपकी इच्छा में और आपकी समानता में बढ़े। धन्यवाद प्रभु जी, इन्होंने इस कार्यक्रम को, यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए अपना सहयोग प्रभु जी, अपना आर्थिक सहयोग दिया, हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं हमारे देश में तमाम उन समस्याओं के लिए प्रभु जी, जिन्हें हमने अभी सोचा गिना, उन सब पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी, और हमारा देश परमेश्वर के राज्य में उन्नति करे, तमाम आत्मिक बातों में उन्नति करे प्रभु जी। लड़ाई झगड़ा, बुराई, कर्सेस प्रभु जी, डिवोर्सेस, यीशु के नाम से सब दूर हो जाए, और अमन, शांति और अनुग्रह प्रभु जी हमारे देश में बना रहे। तमाम लोग जिन्होंने अपना जीवन नशे में नष्ट कर दिया प्रभु जी, बुराइयों में, झगड़े में, आप उन पर अनुग्रह बनाए रखें। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस कार्यक्रम के द्वारा आप अपनी आवाज़ को, अपने संदेश को पूरे देश में ले जाएं, धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ, उस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं यीशु सत्संग कार्यक्रम के साथ बने रहने के लिए। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जैसे आपके बर्थडेज पर, मैरिज एनिवर्सरीज पर, या किसी विशेष अवसर पर, आप ज़रूर इस फ़ोन नंबर पर हमसे बात कीजिए। हमारा विश्वास है कि आपका और हमारा सहयोग भारत देश के लिए एक बड़ा अनुग्रह लेकर आएगा, और एक दिन हमारा देश प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान और प्रेम को समझेगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।